अक्सर यह देखा गया है कि प्यार सफलता के बीच में सबसे बड़ा अवरोध भी उत्पन्न करता है। प्यार के अंधेपन में लिए गए निर्णय अक्सर जीवन के लिए पश्चाताप का कारण भी बन जाता है। कुछ अतिशयोक्तियों को छोड़कर हम बात करें तो प्यार के पागलपन में जीवन एवं वैवाहिक संबंधी निर्णय बर्बादी का सबक ही बना है और नतीजा तूतूमय से शुरू होकर तलाक की खौफनाक मंजिल तक पहुंच गया और ऐसे में सिर्फ उनकी आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं बचता। घर से भागकर 16 साल 15 साल के बाद जो शादी करते हैं, एक मैच्योरिटी नहीं आया रहता है उस वक्त, तो उस मैच्योरिटी को एक एक्सटेंशन मांगा गया है कि वो एक्सटेंड करो ताकि 21 साल तक एक रेस्ट्रिक्शन हो कि लोग ऐसे लव मैरिज और ऐसे चीज में गिरा नहीं जाएगा। बट इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ये माँ बाप लोग जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। मैं एक 21 साल लड़की का एक पिताजी हूँ। मैं अब भी बोलता हूँ कि शादी करो तो वो शादी करने तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 21 साल होगा तो उनको शादी पहले से लव मैरिज करते तो हम खुश हो जाते। बात लव मैरिज या किसी का नहीं है, बात ये है कि 21 साल के बाद एक समझा जाता है कि बच्चों में एक मैच्योरिटी आ जाता है, तो उस चीज़ को उस भावना को नजर में रखे ये बिल पेश किया है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। देखो क्या होता है कि एक कंट्री चलता है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर। अगर किसी ने कुछ रूल्स लेके आया है वो डिस्कस करे, साइकियाट्रिस्ट है, मार्केट में डॉक्टर्स है, शादी के एक्सपर्ट्स है, साइकोलॉजिस्ट है, इनको सब डिस्कस करके ये सोचना चाहिए। अभी गोपाल शेट्टी साहब सांसद है, उन्होंने अपना काम किया कि एक पुट अप किया है प्राइवेट बिल, अगर वो सही है सबको एग्री होना चाहिए। मगर एज अ पेरेंट मैं खुश हूँ। जो उत्तर मुंबई जिला के जो गोपाल शेट्टी सांसद जी ने जो 18 वर्ष की अवधि के बच्चों की जो शादी की बात उन्होंने करके 21 वर्ष की जो बात कही, मैं उसका सराहना करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि 18 वर्ष की जो बच्चे होते हैं वो पूरे रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। अगर 18 वर्ष के बच्चों की अगर जब शादी की जाए तो उनके माता पिता का सहमति होना बहुत जरूरी होना चाहिए, और नहीं तो एक जो 21 वर्ष की जो बात चल रही है जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर 21 हो जाएगा तब उस समय पूर्ण रूप से बच्चे और लड़की और लड़का दोनों परिपक्व हो जाएंगे, क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसका पूरी से उनको जानकारी दे। क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी जो तो 18 वर्ष की, ये तो कानून बन गया 18 वर्ष की, 18 वर्ष के बाद में जो अभी शादियां हो रही है ना 80% ये लव मैरिज जैसी शादी टूट रही है। पहले की मैं बोलता हूं ना कि अभी जो कानून आ रहा है इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। अगर ऐसा सरकार करती है तो बहुत ही अच्छा बात है। मैं तो बोलता हूं इसको कोई सरकार नहीं, हर लोगों को, पक्ष विपक्ष सभी लोगों को मिलकर इसको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि एक जो युवा पीढ़ी है आज जो पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है उसमें लोग बच्चे भाग करके 18 वर्ष की उम्र में वो शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको कोर्ट में चले जाते हैं, मां बाप को कुछ समझते ही नहीं, अभिभावक को कुछ समझते नहीं, और बाद में रिजल्ट कब आता है तो बच्चे लड़के और लड़कियां तो रोते हैं मगर साथ साथ अभिभावक को बहुत परेशानी का सामना पड़ा, वो तो आत्मा तड़पता है, भुक्त भोगी कितने लोग हैं, अभिभावक आज भी तड़प रहे हैं कोर्ट के, उसमें दोनों पक्ष को परेशानी होती है, एक लड़के पक्ष को भी और लड़कियां पक्ष को भी, दोनों मामला बाद में कोर्ट में जाता है और उसमें अदालत का भी समय बर्बाद होता है और उनके पूरे दोनों आदमी टूट जाते, दो घर बर्बाद होता है दो। इसलिए मैं सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी हर पार्टी के लोग एक साथ में मिलकर के जो बच्चे 18 बरस की शादी में करना चाहते हैं पहले अपने माता पिता का सहमति ले, उनकी इजाजत ले, उनका परमिशन ले, क्योंकि माता पिता को मालूम है हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए किसके कहां किसके साथ में कर रहा हूं, इसलिए माता पिता का सहमति जरूर होना चाहिए। जैसे एक संविधान बना था कि 18 वर्ष के बच्चे कोई शादी कर सकते हैं, उसी प्रकार से एक ऐसा कानून आना चाहिए कि अगर 18 वर्ष की शादी करना है तो माता पिता का सहमति होना बहुत जरूरी है, उस पे उनका सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। जब तक माता पिता का सहमति न हो तब तक 18 वर्ष के बच्चों की शादी अमान्य की जाए, उसको मान्य न की जाए। हाँ, अगर उनको करना है तो 21 वर्ष की शादी जो होगा जो उसमें नियम है इसका बहुत जल्दी मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं और तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी पार्टी के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 21 वर्ष की करें और 18 वर्ष की बात करें तो बिना माता पिता के सहमति, नहीं तो दोनों का भविष्य अधर में होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने ये मुद्दे को जो आपने उठाने का काम किया मैं आपको तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।
गोपाल सेट्टी जी जो सांसद हैं यहाँ के स्थानिक, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो सराहनीय है। मैं यही चाहता हूँ, यही अपील करता हूँ मुंबई मेट्रो चैनल के माध्यम से कि 18 साल की जो शादियाँ हो रही हैं वो शादियाँ 75% टूट जा रही हैं। कारण क्या है कि बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, जिनका अफेयर 13 साल से 14 साल से, वो 18 साल का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा कब 18 साल हो और हम शादी कर लें। ना ही अपने माँ बाप की राजी से करते हैं, ना ही लड़की अपने घर से करती है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 18 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं तो दोनों पक्ष के माँ बाप के बगैर मर्जी से अगर शादी हो रही है। विवाह का जो प्रावधान है कानून में, 18 साल की लड़की लड़के जाके शादी कर सकते हैं। अब लड़का जो है, लड़की है, वो 14 साल की उम्र में 10वीं पास करता है और 10वीं पास करने का वो कॉलेज में जाता है, वहीं पर उसका परिपक्वता न बढ़े और वो अपने परिपक्वता जितनी बढ़ी होती है उतनी में ही जो समझ होती है उसी के दौरान वो अपने आप को विद्वान समझ करके एक लड़की से संपर्क कर लेता है, एक लड़का लड़की से संपर्क कर लेते हैं। आज के युग में ये जो आधुनिक युग आया है, मोबाइल, टीवी चैनल, इससे जो समाज में जो प्रभाव पड़ा है लोगों पे, कॉलेज का, कॉलेज के लड़कों पर, स्कूल के बच्चों पर, उनको एक ही दिखाई देता है कि विवाह करना है। कैसे मेरी उम्र 18 साल हो और मैं कानून के दायरे में आकर के शादी कर सकूँ। अब इसका किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, कम उम्र के लड़के जिनमें इतनी समझ नहीं होती है कि कैसे पैसे कमाना है, कैसे घर चलाना है, लेकिन पिक्चर को, पिक्चर में यह सब देखते हुए वो ये देखते हैं कि कब 18 साल की उम्र में शादी करनी, उनमें इतनी समझ नहीं होती। आप देखें अगर तो वैज्ञानिक रूप से, मेडिकल रूप से भी लड़का लड़की इतने परिपक्व नहीं होते कि वो विवाह कर सके और संसार को चला सके। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा मुझे लगता है बहुत ही सही है कि 21 साल का उम्र का लड़का लड़की हो, थोड़ी उनमें समझ हो शादी विवाह करने की और उसमें माता पिता का सहयोग हो, ऐसी शादी अगर हो तो समाज में काफ़ी सुधराव आ सकता है और भविष्य में तलाक जो कोर्ट में कचहरी में केस बढ़ रहे हैं ये कम होंगे और कहीं जाकर के यह जो क्षति पहुंच रही है समाज में, एक सांसारिक परिवार जो जहाँ विघटन हो रहा है वहाँ समाज एक अच्छे रास्ते को पकड़ सकता है। गोपाल शेट्टी जी ने जो मुद्दा उठाया है पार्लियामेंट में वो बहुत सही मुद्दा उठाया है। मैं खुद एक 18 साल में मेरी शादी हुई है, बट मेरी शादी मेरे माँ बाप के मर्जी से हुआ है और उनके सहमति से हुआ है। बट मैं लकी थी कि मेरे हस्बैंड मिस्टर उदय कुमार जो है, उनके घर वाले, मेरे सास ससुर, वो अच्छे इंसान थे, इसलिए मैं बच गई लिटरली। और अगर सोचो उल्टा होता, अगर मैं 18 साल की उम्र में शादी हो गई और मेरे पति और मेरे सास ससुर अच्छे नहीं होते, मेरे को बहुत सारी दिक्कत होती, मेरे पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए मुझे इन लोग अगर नहीं देते तो मेरा बहुत हालत ख़राब होता है एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक। और मैं ये गोपाल शेट्टी जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि जब 18 साल के हम होते हैं हम व्यवहारिक मतलब बोलते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी के लिए एक्चुअल में हम तैयार नहीं होते, हम एक छोटे से पौधे होते हैं, पेड़ नहीं बन जाते हम। और 21 ईयर्स के बाद ही हम एक हमारा दिमाग और हमारा सोच, एक परिवार को संभालना, पति को संभालना, संस्कार को संभालना, हर एक चीज़ हम सोच सकते हैं। बट 18 साल का जो उम्र है, जो मेरी शादी हुई थी, मुझे बहुत दिक्कत हुई थी तभी, मेरे सास ससुर को संभालना, एक समाज के, एक बहू के रूप में खुद को डालना बहुत मेरे डिफ़िकल्ट हुई थी। मेरा एजुकेशन भी उसके बाद हुआ है। बट मैं ये चाहूँगी कि अगर 18 साल में अगर पेरेंट्स लोगों की मर्ज़ी हो तो अभी अगर उनका जो भी लव होता है, जो भी होता है, अगर पेरेंट्स की मर्जी हो तो ठीक है कर लो शादी, बट अगर पेरेंट्स की मर्जी नहीं है तो 21 इयर्स तक अगर आप रुकते हो और बाद में शादी करते हो तो आपको एक सोच कि लड़का आपके लिए ठीक है या लड़की आपके लिए ठीक है या उनके घर वाले ठीक है, तो ये एक सोच 21 इयर्स के बाद ही आपको आ सकती है और आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका शादी जल्दी हुई है या फिर 21 से पहला नहीं हुआ, उनका बहुत सारा कोर्ट केसेस चल रहा है, फैमिली कोर्ट में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे उनको दिक्कत हुआ है, उनका फैमिली, उनका लाइफ पूरा बर्बाद हो चुका है क्योंकि उनका पेरेंट्स का सपोर्ट के बिना उन्होंने शादी किया है। एंड आज के डेट में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं लिटरली, उनका लाइफ हैज़ गुड एज नथिंग हो गया है, कोई सुसाइड करने का सोच रहा है या बहुत सारा डिफ़िकल्टी से उनको गुजरना पड़ता है। सो मैं बोलूँगी मैं लकी थी, बट ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लड़की लकी हो और उसका 18 साल में शादी और उनको पढ़ाई भी करने का मौका मिले, उसको अपना करियर बनाने का
मौका मिले। सो मैं चाहूँगी कि ये जो गोपाल शेट्टी जी ने जो एक मुद्दा उठाया है वो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बहुत सारे लड़कियों का, बहुत सारे लड़कों का लाइफ सेव हो सकता है इसमें। तो मैं खुद बिकॉज आई एम एग्जाम्पल ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड में मेरी शादी हो गई, मैं खुद चाहती हूँ कि आप जितने भी युवा हो आप अपना लाइफ को लीड करो, अच्छे से एंजॉय करो, पहले अपना लाइफ का मुद्दा या जो भी सोच है या टारगेट है वो समझो, उसके बाद शादी करने के लिए 21 साल में आप लोग उतरो, उससे सबका भला होगा। गोपाल शेट्टी जी जो सोच सही सोच निकाला है, ये मुद्दा बहुत सही है, मैं भी न्यूज़पेपर में देखा है लास्ट वीक में, और सब जनता इसको सपोर्ट करना चाहिए। मोहब्बत जब नफरत में बदलता है तो उसे जीना इतना दुभर हो जाता है कि उसके एक एक पल को बिता पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वही प्यार थोड़ी परिपक्वता के साथ कोई कदम उठाए तो जीवन बड़ा ही सरल और सुखद हो जाता है। प्यार करना गलत नहीं है, बल्कि प्यार की नादानी में लुट जाना स्वयं के लिए एवं परिवार और समाज के लिए भी बहुत बड़ा कष्टदायी होता है। और इसी कष्टदायी एवं असहनीय पीड़ा से बचाने के लिए उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रयास किया कि अगर प्यार की नादानी में कोई लड़की या लड़के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यानी शादी का लें तो उसके लिए कानूनी तौर पर उनकी उम्र 21 साल होना अनिवार्य होना चाहिए। तो ये 21 साल का मामला ऐसा है जो मैंने प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया है, उसमें ये कहा है कि जो वर्तमान में जो 18 साल का शादी का उम्र है वो वैसा ही रहे, माँ बाप के सम्मति से अगर शादी होती है तो उसको वो 18 का सही है। जब माँ बाप के सम्मति के बिगैर जो बच्चे शादी करते हैं, अगर अपने सम्मति से इंटरकास्ट या फिर जो भी हो, तो ऐसे बच्चों को 18 साल ना होते वो 21 साल होना चाहिए, ये मेरी मांग है। और उसके पीछे की मेरी सोच ये है, देखिए बच्चे नादान होते हैं और ये बच्चे उम्र से हम सब पसार होकर यहाँ पर आए हैं, वो एक उम्र, वो नादानी और वो 16-17 साल में जो ह्यूमन फीलिंग आना, ये सब स्वाभाविक है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। और उस समय पे बच्चे भटक जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करता हूँ करके, और उस समय पे वो शादी का निर्णय करते हैं, माँ बाप घर परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं और वो शादी करते हैं, और फिर शादी करने के बाद में अगर सक्सेस नहीं होते तो उनका जीवन किस तरह से उध्वस्त होता है, ये इस प्रकार के एक नहीं तो हमने हजारों उदाहरण देखे हैं। समाज में बदलाव लाने की उनकी एक बहुत बड़ी पहल है कि अगर प्यार की नादानी में कोई लड़की या लड़के अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यानी शादी का लें तो उसमें कानूनी तौर पर माँ बाप की सहमति जरूरी हो, और अगर कोई प्रेमी जोड़ा बगैर माँ बाप की सहमति से, विशेषकर लड़कियाँ अगर शादी जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला लेती हैं तो उनकी उम्र कम से कम 21 साल कानूनी तौर पर अनिवार्य कर देना चाहिए। ऐसे जिनको शादी करना है उसका उम्र अगर 21 हो जाता है तो मेरे मन में ये है, उनके माँ बाप मानते नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं करने का। हो सकता है कि माँ बाप भी थोड़ा उसको समय मिलता है साल भर का, तो वो भी मानेंगे, देखेंगे लड़का दिखने में भी ठीक है, स्वभाव भी अच्छा लगता है, कमाता भी ठीक है, चलो अपने बिरादरी में बैठता नहीं, यही एक प्रॉब्लम। हो सकता है वो माँ बाप भी मान जाएंगे। साल डेढ़ साल का समय अगर लड़के को मिलता है तो लड़की को भी लगेगा जैसा मैंने समझाता वैसा नहीं है, बराबर है ना। दोस्ती हुई तब हर हफ्ते में पिक्चर दिखाता था, अभी महीने पे आ गया, हो सकता कल एक साल पे आ जाएगा, तो शी कैन चेंज हर माइंड, वो अपना माइंड भी चेंज कर देगी और देखेगी कि नहीं मार्केट में इससे भी अच्छे लोग हैं, है ना, ये भी तो लड़की के मन में आ जाएगा ना। लड़की भी अपना माइंड चेंज कर सकती है, तो इसमें से 50% जो प्रॉब्लम्स है वो अलग मोड ले सकता है, ऐसा मेरा, और ये इससे आप भी सहमत हो जाएंगे। वैसे भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी के इस मुद्दे पर प्रायः सभी उम्रदराज के लोगों ने अपनी भरपूर सहमति जताते हुए इस मुद्दे पर सरकार को कोई तुरंत कदम उठा लेने की बात कही, ताकि जल्दबाजी में भावनाओं बस जो लड़के लड़कियां शादी के बंधन में बंधकर फिर थोड़े ही समय के अंतराल में तलाक लेकर या संबंध विच्छेद कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं उस पर कानूनी शिकंजा लगे और उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचे। जो सुझाव है वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज 18 साल की उम्र एक बहुत ऐसी एज होती है जहाँ इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उसे, तो और अट्रैक्शन में किया गया फैसला है जो भी स्टेप लेते हैं वो
मेजरली गलत ही होता है। तो मे बी दिस ये जो भी है सुझाव वो आना चाहिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट वो जो हमारे जो टीनेजर है उनकी लाइफ कम रिस्क हो, क्योंकि 18 साल में इमोशनली लोग इतने ज़्यादा डूबे हुए रहते हैं अपने ख्यालों में कि उसके आगे उन लोगों को एक्चुअल रियलिटी लाइफ की पता नहीं है। मेरे हिसाब से अपने हर चीज़ें पहले सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए और अपने फ्रेंड्स से और सोच के करनी चाहिए। हमारा ये सच में बहुत कम होता है और करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो ये सब कुछ काम नहीं आने वाला है आगे। देखिए अभी जैसे कि उनका एक एज लिमिट ऐसा दिया हुआ है कि 18 के पहले नहीं, 21 के पहले नहीं, तो वो एज लिमिट मुझे नहीं लगता कोई काम का है, क्योंकि जब तक वो खुद इंसान मैच्योर इनफ नहीं होता कोई भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए। अगर ऐसा भी हो सकता है कि 21 साल होने के बाद भी वो थिंग्स को बराबर ले ना पाए, हो सकता है कि वो आगे जाके सिचुएशन हैंडल ना कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि एज ऐसा कुछ मैटर करना चाहिए। जो मैच्योरिटी एक इंसान में होनी चाहिए अगर वो है तो कोई भी एज में हो सकती है। नॉर्मल बात है कि प्यार हो जाता है, और 18 मेरे को लगता है कि 18 साल बहुत ही कम उम्र है लड़कियों के लिए स्पेशली कि आप भाग कर किसी के प्यार में पड़ के शादी करें। 21 साल में एटलीस्ट आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है कि आपको पता चले कि हाँ मुझे क्या करना है, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। बिकॉज 18 साल में शादी करके आपका कोई करियर नहीं होता है, और आप जिससे शादी कर रहे हो जरूरी नहीं कि उसका भी करियर हो, कुछ हो या नहीं हो, और आप लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है लाइफ में। हाँ मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी कहा है कि 21 साल में ही शादी करना है वो सही कहा है। वैसे प्यार के वशीभूत 18 साल की उम्र में शादी जैसे फैसले कुछ सुखद भी होते हैं, लेकिन इनमें अधिकांश ऐसे फैसले सामने आए हैं जो तलाक जैसी दर्द भरी दास्तान में गुम हो गए। उस समय पे बच्चे भटक जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करता हूँ करके, और उस समय पे वो शादी का निर्णय करते हैं। माँ बाप घर परिवार सब कुछ छोड़ देते हैं और वो शादी करते हैं, और फिर शादी करने के बाद में अगर सक्सेस नहीं होते तो उनका जीवन किस तरह से उध्वस्त होता है, ये इस प्रकार के एक नहीं तो हमने हजारों उदाहरण देखे हैं। जो आज 18 वर्ष की अवधि की बात की जाती है ना, तो उसमें सबसे बात देख रहे, मैंने एक सर्वे की बात गया था लेने के लिए, और उसमें सर्वे में बहुत जानकारी थी, तो मैं कई एनजीओ संस्थाएं थी मुंबई से लेकर महाराष्ट्र लेके इंडिया के लेवल से जो बड़े बड़े सामाजिक संस्थाएं, तो उन्होंने एक सर्वे कराया था। उसमें एक सर्वे में आया था कि जब पुलिस थाने में जाते हैं जब बच्चे ना और माता पिता लेके जाते हैं, तो पुलिस प्रशासन एक कानून से बंधा हुआ होने के बाद भी उसको खुद उसको समझ नहीं आता कि 18 वर्ष है कि नहीं, तब तरह तरह को उसको सर्टिफिकेट मंगाना पड़ता, कहीं आधार कार्ड तो कहीं पैन कार्ड तो कहीं जन्म प्रमाण पत्र, उसके बावजूद भी मामला पचीदा में आ जाता, मामला कोर्ट में जाता है। ऐसा था कि किसी के घर में लड़का है और किसी उसके रिश्तेदार या तो मित्र के घर में लड़की पैदा हो गई, तो उसी दिन लक्की कर देते कि बड़ा होने के बाद में इसका शादी होने, उसके बाद में बाल विवाह का कुछ दशक शतक चला होगा, कितने सौ साल चले पता नहीं लेकिन चला होगा। फिर बाल विवाह में बदल करके हम लोगों ने कायदा बनाया कि नहीं 18 साल तक लाया, तो ये बदलाव तो इतना हुआ है ना, तो 18 साल होने के बाद में हमने ये देखा समाज में कि 16-17 साल में बच्चियाँ प्रेम करने लग जाती है और गुपचुप में, फिर 18 साल जैसे हो जाता है लड़के लड़कियाँ जाकर कोर्ट में शादी करके आते, माँ बाप को पता चलता तो माँ बाप का तो पूरा सपना ही ध्वस्त हो जाता है, तो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि कायदा का सपोर्ट लड़कों लड़के और लड़की के साथ में है, तो इसके लिए प्रयास मैं कर रहा हूँ। अब देखना यह है कि समाज के लिए बेहद जरूरी माने जा रहे इस मुद्दे पर कानूनी जामा कब तक पहनाया जाता है। 21 साल का अगर थोड़ा सा कार्यकाल मिले लोगों को, थोड़ा सा जीवन के जीवन का एक निर्णय होता है, जब जीवन का पूरा एक बार ही निर्णय होता है किसी जीवन को साथी चुनने का, वो तो 5 साल के बाद आने का मिलता है, लेकिन जीवन साथी चुनने का एक बार ही मौका मिलता है, और उस समय अगर सही निर्णय लिया जाए तो सही होगा, और उसका समय 21 साल अगर कानून के तरीके से मिल जाए तो लोगों के लिए अच्छा, समाज के लिए भी अच्छा होता है और माता पिता के लिए भी अच्छा होगा और जीवन साथी के लिए भी अच्छा होगा। अब देखते हैं इसके लिए समाज और आने वाली पीढ़ी कितना अमल करती है। कैमरा पर्सन अनीश उपाध्याय के साथ इंद्रपाल चतुर्वेदी, मेट्रो मुंबई।